हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज का जो वीडियो है वो नई जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड है। वर्दी पाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों को मिल रही है। तो जिन लोगों का सपना है सेना में जाने का या फिर वर्दी पहनने का, तो वो लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। या फिर जो लोग जो है गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उन्हें फिल करना चाहिए, क्योंकि प्लस पॉइंट ये है कि कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिनमें कि महिलाओं के लिए कोई भी फीस नहीं होती है, फ्री होते हैं। तो आई होप कि इसमें भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। साथ में जो सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका जो मतलब मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं उनके जो केंद्र होते हैं वो स्टेट में जो है लगभग हर एक स्टेट में होता है। तो जैसे कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देहरादून में जो है उसका हो सकता है सेंटर। तो आप लोग जो है फॉर्म फिल करते वक्त जो प्रेफरेंस होता है सेंटर का, उसे बड़े ध्यान से भरिए, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस फिजिकल टेस्ट के एग्ज़ाम में कई लोगों ने ऐसी जो है गलतियां की हैं। तो ये गलती आगे से मत कीजिए। जब हम जो है सेंटर प्रेफरेंस फिल करते हैं तो जहां से हमने जो है फिल किया है वहीं हमारा जो सेंटर है वहीं पड़ेगा। अगर तीन है तो तीन में से फर्स्ट या सेकेंड में जो है हमारा सेंटर पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, फॉर्म हैं जिनमें कि हमें जो है करेक्शन का मौका नहीं मिलता है। कौन सी भर्ती है आप लोगों के लिए जो न्यू आई है, तो उसके बारे में जो है आपसे डिस्कस करते हैं। उसमें क्या एज रहेगी, क्या सैलरी है, क्या जॉब प्रोफाइल है, सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बताते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फॉर्म जिसकी हम आज बात कर रहे थे, जो कि न्यू वैकेंसी आई है असम राइफल्स में। तो देखिए ये जो फॉर्म फिल होने हैं वो 6 जून से जो है शुरू हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट है वो है 20 जुलाई। फीस सबमिट करने की लास्ट डेट भी 20 जुलाई है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट अभी तक जो है कन्फर्म नहीं है कि कब होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपीज़ है, उसमें से SC ST के लिए नील है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं है। ऑल कैटेगरी वुमेन्स, ठीक है, लड़कियां किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल OBC EWS या SC ST, उनके लिए जो है कोई फीस नहीं है। फीस जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एज की तरफ चलते हैं कि एज जो है किस तरीके से है। एज जो मतलब कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त के हिसाब से होगी, ठीक है। मिनिमम जो आपकी एज है वो 18 साल जो है 1 अगस्त को होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है 23 साल जो है 1 अगस्त तक होनी चाहिए, ठीक है। एज बिटवीन 8/8/1999 से 1/8/2004 तक इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें जो है कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो कुल 1380 पोस्ट इसमें जो है। बाकी पोस्ट नेम देख लेते हैं, हवलदार क्लर्क है इसमें, इसके लिए जो है इंटरमीडिएट चाहिए, साथ में टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी भी जो है सेम इस प्रकार से है। हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, इसके लिए 12th चाहिए, और जो है 10+ ITI का जो है सर्टिफिकेट चाहिए। तो हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, इसमें राइफलमैन, बार्बर, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन वॉशरमैन, ये सारे के लिए जो है 10th चाहिए। वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, ठीक है, इसके लिए जो है आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और साथ में जो है डिप्लोमा होना चाहिए। वारंट ऑफिसर वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, इसके लिए जो है 12th होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नायब सूबेदार, इसके लिए जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो जो है इसे ग्रेजुएशन लेवल तक के जो बच्चे हैं वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट की बात करें, किसी स्टेट के लिए कितनी पोस्ट है, तो देखिए उत्तर प्रदेश 123, उत्तराखंड के लिए जो है थोड़ा कम पोस्ट हैं, 7 पोस्ट हैं, बिहार 107, छत्तीसगढ़ 32, इस तरीके की जो है इसमें कई पोस्ट हैं, देख सकते हैं आप, पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे है। तो ये हमारी जो है आज की वैकेंसी की डिटेल थी। तो यहां से जो है आप, यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई करने का, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं यहां से। उसके बाद यहीं से आप जो है नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा।
तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं उनको पढ़ के जो है दिल खुश हो जाता है, क्योंकि कमेंट लिखने से हमें भी पता चलता है कोई भी कमी पेशी या फिर जो चीज़ हमें बतानी चाहिए थी वो सब चीज़ें जो है हम करेक्शन कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।